हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्केचअप लर्निंग का आज हमारा ये 9वां वीडियो है। तो आज की वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी डिजाइन में अपना वाटर मार्क या कंपनी का लोगो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने जो भी डिजाइन बनाई है उसका विजुअलाइजेशन या उसका वीडियो मीन्स, अगर मैं इसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कस्टमर को भी दिखे, ठीक है, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसे बनता है, आप देख रहे हो इधर पास मेरे राइट हैंड पे जो डिफॉल्ट ट्रे है, इसमें आप देखो सबसे नीचे आपको एक सीन्स का वो दिखेगा, ठीक है। ऐड सीन करना है हमें इसमें, यहाँ से हम ऐड कर करके अलग अलग सीन को ऐड कर देंगे। इसमें सीन में क्या रहेगा, जैसे ये मैंने रोटेट किया, ठीक है, एक बार यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरा एक सीन बन गया। फिर अगर मुझे ऐड करना है तो फिर मुझे फिर से इसे ऐसे करना पड़ेगा, फिर मैंने छोड़ दिया तो ये मेरा दो हो गया। अगर मैं ऐसे जूम करता हूँ और जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा ये मेरा तीसरा सीन बन जाएगा। फिर अगर मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरा चौथा सीन बन जाएगा। तो ऐसे करके अलग अलग सीन्स बनते हैं और फिर हम उन्हें जब एक्सपोर्ट करते हैं एज अ एनिमेशन तो वो हमारा वीडियो बन जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं, एक ट्राई करके देखते हैं हम, ठीक है। ये मेरा, मैं इसे इस लेवल पे रख लेता हूँ ताकि जब मैं इसे सीन्स बनाऊंगा तो ये जूम इन हो, फिर मैं इसे मूव करूंगा, रोटेट करूंगा अलग अलग डायरेक्शन में, फिर हम सेव करके देखेंगे कि मेरा एनिमेटेड वीडियो जो मैंने विजुअलाइजेशन बनाया है वो कैसा बना है। तो मैं इधर से एक सेलेक्ट करता हूँ, एड सीन, ये मैं इसे जूम करता हूँ, ये मैंने जूम किया, छोड़ दिया, ये मेरा एक सीन बन गया। अब मैं नेक्स्ट करूंगा, दूसरा सीन ऐड करता हूँ इसमें, ये। अब फिर मैं क्या करूंगा, एक्चुअली मेन हमारा इसका पर्पस रहता है कस्टमर को 360 डिग्री में दिखाना, मतलब चारों तरफ से राउंड में दिखाना कि सिस्टम लगने के बाद कैसा दिखेगा, कितनी हाइट रहेगी, यदि उसके नीचे वाटर टैंक या कुछ ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे रहेंगे, कितनी हाइट रहेगी उसकी, ठीक है ना। दूर से अगर मेरी बिल्डिंग को कोई देखेगा तो मेरा सोलर खराब तो नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो वो एक एज्यूम कर सकता है इस सैंपल आपके एनिमेटेड वीडियो से। तो हम इसमें अलग अलग सीन्स बना के उन्हें ऐड कर देते एक साथ तो मेरा एक वीडियो बन जाता है। आप देखो ये मेरा 7 हो गई, ये मेरी सीन, मैं 8वां बनाता हूँ, ये मैं वापस इधर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस करके इसे सेव कर दूंगा, फाइल में जाऊंगा, इधर से एक्सपोर्ट में जाऊंगा और एनिमेशन कर दूंगा। अब मैं इसे यहाँ सेव कर देता हूँ, ठीक है, सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने फ्रेम बने मेरे टोटल, 385 फ्रेम बने, कितने 8 सीन्स के लिए मेरे 385 फ्रेम बने। अब वो क्या करेगा, इन तीनों 385 फ्रेम को एक साथ मर्ज हो जाएंगे, ये एक के पीछे एक, और ये एक तरीके का वीडियो बन जाएगा। तो जब ये मेरा सेव हो जाएगा तब मैं इसे प्ले करके देखूंगा कि ये कैसा दिखता है। ये मेरा पूरा होने वाला है, ये मेरा पूरा 100% हो गया। अब मैं इसे चेक करूंगा कि मेरा ये वीडियो कैसा बना, ये मेरा कहाँ सेव हुआ होगा, ये मेरा डॉक्यूमेंट में गया होगा, क्यों, क्योंकि मेरा ये जो इंस्टॉल है स्केचअप ये सी ड्राइव में है। ये आप देखो ये मैंने किया था। अब हम इसे प्ले करके देखेंगे, ये आप देखो जितने भी मैंने सीन्स बनाए हैं वो पूरे एक वीडियो की तरीके से चलेंगे मेरे सामने एक के बाद एक। ये तीसरा हो गया, ये चौथा है मेरा, ये पांचवा सीन था, ये छठवा सीन था, ये मेरे कंप्लीट कर दिए उसने। तो इस तरीके से मैं किसी भी डिजाइन पे सीन्स बना के एनिमेटेड वीडियो बना सकता हूं उसका, किसी भी तरीके से। मैं आप इसमें किसी भी सीन पे जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, और जब हम उसे चलाएंगे तो वो सीन पूरा मेरा बदल जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये जो इसके चारों तरफ का ये बैकग्राउंड है ये भी आप
चलते हुए वीडियो में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे कि मैं जो भी मेरी डिजाइन बनी है और जो मैं उसमें ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं इसे कैसे सेव करके एक वीडियो बना सकता हूँ। या तो आप ऐसे इससे बनाइए, या आप क्या कर सकते हो, एक स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करिए और स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके आप इस तरीके से घुमाइए। बस उसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये जो मेरा ये आपको टूल दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो मेरा ऑर्बिट है, ये आपको वीडियो में दिखेगा ऐसे घूमते हैं। लेकिन अगर मैं स्केचअप के ऐसे सीन्स बना के अगर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ये टूल नहीं दिखेगा, मेरा सिर्फ मेरी डिजाइन दिखेगी। कितना मैं पूरा ऐसा इसे कर सकता हूँ, मेरे जो सीन बनेगा उसमें ऐसे इतने नीचे से भी आप इसे ले सकते हो तो ये नीचे से दिखेगा। लेकिन उसके लिए आप जब घर की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाएंगे तब हम वैसा करेंगे। अभी हमारा वो टेम्परेरी बनाया है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, अभी मैं अपने सोलर का इस तरीके से वीडियो बना के कस्टमर को दिखा सकता हूँ कि मेरा सोलर इस तरीके से दिखेगा। लगने के बाद ये आपका वाटर टैंक रहेगा, ये आपका वाटर हीटर रहेगा, ये इतनी आपकी हाइट रहेगी। आप यहाँ स्टेयर लगा सकते हैं, लेडर लगा सकते हैं, और फिर मेरे इस जो मैंने जहाँ सोलर लगाया वहां आप जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।